नमस्कार। वाराणसी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नगरी रही है, जहां संगीत के महान साधकों ने साधना की और कला के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ एवं गायक डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी आज हमारे साथ हैं। आपको अभी पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बनारस के संगीत परंपरा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मूलतया प्रीति जी, और जगहों में और काशी में अंतर है कि अपना जन्मस्थान छोड़ के, कार्यस्थल छोड़ के व्यक्ति जब अन्य जगह जाता है जी, तो कहते हैं होम सिक। लेकिन काशी में जब बाहर से आता है व्यक्ति और यहाँ रह गया थोड़े दिन, तो फिर वो घर जाता है तो काशी सिख शुरू हो जाता है जी। सब बस जाना चाहते हैं, रम जाना चाहते हैं। इसीलिए काशी में किसी तत्व, मूल्य और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय काशी को तीनों लोक से न्यारा क्यों कहा गया? क्या हमारी धार्मिक मान्यता है? काशी धार्मिक नगरी नहीं है, काशी आध्यात्मिक नगरी है जी। और त्रैलोक्य से न्यारी ये है कि त्रिदेव में से दो की तो जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस, जन्माष्टमी, रामनवमी। भोले बाबा का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, उनका विवाह दिवस मनाया जाता है। ये अनंत हैं तो अनादि भी हैं, इसीलिए व्यक्ति काशी की महिमा में वह सब कुछ पाता है जो अन्य जगह समाज से अपेक्षा या उपेक्षा के कारण नहीं पाता। यहाँ आशीर्वाद भी बड़े देते हैं तो कहते हैं मस्त रह मस्त कर। तो इस तरह से जो आनंदमय, और यह प्लूरलिज्म जो है, बहुलतावादी जो संस्कृत है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, इसलिए यहाँ सभी धर्म के लोग उपासना करते हैं और धार्मिक उन्माद में यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। राजनीतिक कारण हो और कुछ हो, व्यक्तिगत हो, किसी उत्तेजना में हो, सारे धर्मों का निर्वाह यहाँ सब अपने आप करते हैं। इसलिए बहुलतावादी जो समन्वय है, इसलिए सबकी प्रतिभा और जगह तो किन्हीं कारणों से उसका उपयोग करते हैं। और जगह कहते हैं म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक इज द मीडियम फॉर गॉड टू द गॉड, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आते हैं तो संगीत लक्ष्य है, माध्यम। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा वंदे नाद तनुम समुद्धर जगत गीतम मुदे शंकर, द बॉडी ऑफ साउंड। हम संगीत के द्वारा नहीं भगवान के पास जाते, हमारा भगवान ही संगीत है। नटराज नाद तनु द बॉडी ऑफ साउंड हमारे शिव हैं, इसलिए यहाँ सीधा संपर्क शिव से करते हैं। वो शिव का अर्थ हितकारी भी है, सत्य कड़वा होता है। हमारे माननीय मोदी जी जो निर्णय लेते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा लगता है, लेकिन जब सत्य हितकारी हो जाता है, शिव हो जाता है, तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो इस सत्य शिव सुंदर का यहाँ पर समन्वय है, और यहाँ आकर्षण से ज़्यादा सौंदर्य की उपासना, वो सुंदर वो है कि आकर्षण आपको खींचता तो है लेकिन छोड़ देता है। विचित्रता में भी आकर्षण है जी। लेकिन सुंदर खींचता है, फिर आनंद से भींचता सींचता है और छोड़ नहीं देता, जोड़ लेता है। इसलिए काशी विशिष्ट है पूरे विश्व में, लोग कहते हैं इतिहास से पुरानी। और संस्कृति सम्यक रूपेण संस्कार की जो कृति है, वो संस्कृति है, काशी संस्कार करती है, कोई बंधन नहीं लगाती, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। प्रदर्शन और ढोंग की भावना से दूर हो कि सीधा संपर्क हो, मटमैली चादर और मटमैली धोती पहने हुए व्यक्ति न जाने किस जगह का कौन सा विद्वान है। यहाँ किसी को सामान्य नहीं समझना चाहिए, सामान्यता में यहाँ विशिष्टताएँ छिपी हैं। इसलिए काशी के गुणी विश्व भर का एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, यह मृत्यु का प्रतीक्षालय नहीं है, काशी मोक्ष की जन्मभूमि है, इसलिए विरल है। और इसीलिए यहाँ हर साधक अपनी सिद्धि के साथ साथ शुद्धि रखता है, उसके बाद शुद्धि की सिद्धि करता है कि निशाना हर बार सही लगे, और फिर उसमें वृद्धि करता है। इसलिए फिर प्रसिद्धि का सवाल यहाँ नहीं जी। डॉक्टर साहब, संगीत खासतौर से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह से प्रयासरत हैं? ऐसा है, संगीत में आत्मविज्ञापन की जगह आत्माभिव्यक्ति को अगर प्राधान्य दिया जाए जी, तो माध्यम बना लेंगे संगीत को आप, तो यश चाहिए और पैसा चाहिए जी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए
कि पेट में गई हुई चीज आपको ऊर्जा शोषित करके फिर निकाल देती है, तो बलवान बनाती है तो मलवान भी बनाती है, इसलिए हृदयवान हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए अपना वैचित्र क्यों, मैं ऐसा गाता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये हटा दे, आत्मा अभिव्यक्ति हो, क्योंकि अहंकार का निरसन विसर्जन है, अर्जन नहीं। ये मैं छोड़कर जब हम हो जाते हैं, अहम आवाम वयम, काशी का कंकर कंकर शंकर इसीलिए कहा जाता है कि उसमें तल्लीन हो जाता है तत्सत्ता में। जी डॉक्टर साहब, जल तरंग वाद्य जो है आपकी स्पेशलिटी रही है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, विज्ञान में एक शब्द है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रा। ये थोड़ा मैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में जो मैंने कहा कि दूरी का आपके देखने पर दूरी निर्धारित नहीं है, आप एक किलोमीटर देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। तो श्याम अगर एक किलोमीटर से आगे जा रहा है तो राम को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो दूरबीन लगाएंगे आप, श्याम को दोबारा पैदा नहीं करेंगे। तो हम ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते, आकाश का गुण है ध्वनि, हम उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से संगीत से जो व्यापक सत्ता है जगत की, नादाधीनम जगत सर्वम, उससे हम कुछ पाएं। और यह गरीब की झोपड़ी पर भी पानी बरसता है और महलों पर भी, यह हमारे आप पर है कि हम कहाँ उसका, और खेती में भी पड़ता है। तो संगीत व्यापक है, नाद सत्ता विश्व में सात स्वर सब जगह है। आप ये नहीं कह सकते जरा हिंदी में हंसिए और अंग्रेजी में रोइए, इसका अनुवाद नहीं होता, ये संवाद है हृदय का। सात ही रंग हैं, सात ही सुर हैं, इन्हीं सात में तीन जो है भेद के चलता है और चार स्टोर करता है भंडारण, इसलिए हर निर्माण में सात आवश्यक है, इसलिए प्राकृतिक तथ्य है। और काशी ये अविनाशी के द्वारा ये अनंत सत्ता जो है वो सब में व्याप्त है। आपने कैसा उपयोग किया ये आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। जो जल तरंग के बारे में आपने पूछा तो क्षिति जल पावक गगन समीर, जितना पदार्थ शून्य को घेरता है उतने स्थान जो है वही ध्वनि है, वो उसको समाहित कर लेता है। तो मॉलिक्यूलर जर्नी से एटॉमिक जर्नी और उसके गहन गठन से ही आप पदार्थ का भी विश्लेषण कर सकते हैं। और पदार्थ जितना घटता जाता है तत्व तो उतना बढ़ता जाता है, इसलिए पांच ललित कलाएं हैं, वास्तु मूर्ति चित्र काव्य और संगीत। दो लाइन आपने कविता पढ़ी, वाह वाह आह हा क्या बात, कुछ तो लगा नहीं। तो पदार्थ कम से कम लगे और तत्वार्थ अधिक से अधिक परिणाम निकले, वो ललित कला है, सुंदर कला है। उस दृष्टि से जब पात्र बनता है तो अपनी ध्वनि वो उसमें घींच लेता है, इसलिए उस पात्र को ठोकेगा तो अपनी जगह बताएगा कि मैंने इतना घेरा है। और उसमें अगर जल डाल दें आप तो उतरता है, इसीलिए उदक वाद्य के रूप में वैदिक वाङ्मय में भी जल तरंग का उल्लेख है। तो इसलिए हर पदार्थ ने अपनी अपनी चौके में, शीशे का बर्तन गिरा कि धातु का गिरा, तो इसको आप टोनल ऑप्टिक्स मान सकते हैं, पता चल जाता है सबकी आवाज विभिन्न है, सबने उसको ग्रहण किया, सबने स्थान ग्रहण किया, इसका मतलब ध्वनि ग्रहण किया है। जी डॉक्टर साहब, ध्रुपद शैली के संरक्षण और संवर्धन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे आप? देखिए, यह ध्रुव पद जो है तो जो प्राकृतिक स्वर सप्ता की ध्रुवता है, वह जो है ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मानिए पद माने स्टेटस, पद माने पोएट्री, पद माने पैर, पद माने पोस्ट, तो इतने अर्थ हैं जो, तो संगीत के वो मूल तत्व आधार जो आपके स्टेटस या आपकी पहुंच, आपकी अवस्था, आपकी स्थिति को ध्रुवता देती है, वो है ध्रुपद। और ये प्रकारांतर से उपेक्षित होती चली गई। साल भर में कोई एक प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम के रूप में मिलता था प्रख्यात लोग, पखावज तो एकदम गायब हो गया था, तबला छाया हुआ था, वीणा इत्यादि नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो एक बार हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए क्या, तो तबला छाया हुआ तो भारत रत्न पंडित रविशंकर जी सब लोग लेके, तो पखावज कहीं लीला में बजा लिया, किसी मंडली में बजा लिया, उन्होंने छोड़ दिया था, एक तरह से कोई सामाजिक अपेक्षा समाप्त हो गई। तो हम लोगों ने लगाया बैरियर कि इसमें तबला नहीं बजेगा, मेला शब्द लिया, मेला में यह कॉन्फ्रेंस सम्मेलन ही नहीं, सब आ गए, व्यवस्थापकों का काम है चूना छिड़क के व्यवस्था करना, सब कुछ करना, और अपनी प्रतिभा, पहले कलेक्शन फिर सिलेक्शन का सवाल है। तो इसीलिए तुलसी घाट पर डॉक्टर लालमणि मिश्र जी और प्रख्यात पखावज वादक संकट मोचन के पंडित अमरनाथ जी में पखावज वादक थे, सब लोगों ने मिल के, लेकिन उसमें हम लोगों ने तबले और सितार को रोका, वरना वही छा जाते फिर। ओम के जन महाराज जी ने बहुत कहा, क्यों हम लोग को
फिर वो रविशंकर जी ने कहा कि अरे भाई हमें बुला तो लो, 76वीं हुआ। और फिर तो भगवान की दया से शाम 7 बजे से लेके सवेरे 7-8 तक दादर खराना पूरा आया, नई प्रतिभाएं आईं। इस समय विदेश में लेडी द्रुपद करके नीदरलैंड से, अमेरिका से, और स्वयंभू तत्व के रूप में स्थापित होता चला गया। और अब तो दो दिवंगत हुए, नाद ब्रह्मलीन हुए, मैं बचा हुआ हूँ। और 45-46 साल हो गया, 46वां साल होगा, मैंने कुल 3 बार प्रोग्राम दिया है खाली क्योंकि आते हैं लोग, मुझे 5 मिनट, मुझे 10 मिनट, तो भैया 45 मेरा है, 15-15 बांट लो। आज ख्याल गायन से ध्रुपद गायन के कम नहीं है, लेकिन स्थाई अंतरा संचारी आप भोग, इनको पारिभाषिक शब्दावली के रूप में जो देखा जाता है, तो डीप इंट्रोडक्शन स्थापित हो, परमानेंसी ऑफ द नाद, इसको लेके स्थाई अंतरा संचारी अभव, उसको गीत के 4 भाग बनते, ऐसा नहीं है। पहले हम संपर्क स्थापित करें एक एक यूनिट से, फिर 2 सापेक्षिक आएँ, और जैसे हम यहाँ बैठे हैं स्थापित हो गए तो हम जितनी दूर देखेंगे फिर वापस आएंगे, लेकिन दूसरा किनारा हो जाएगा तो फिर हम बीच में अंतराल जो है उसे देखेंगे तो संचार होगा। ये संचारी और ये एक्सपीरियंस्ड वैल्यू जो है वह है आपका आभोग। तो संगीत के क्षेत्र में इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे ध्रुपद पैकेज के नाम पर, जैसे कि सांबा फेस्टिवल, फलाना फेस्टिवल, ये फेस्टिवल होते हैं, तो एक बार काशी आता है वो स्टूडेंट वीज़ा पर, दूसरी बार टूरिस्ट वीज़ा पर, अब तीसरी बार कहाँ से आए, तो ध्रुपद पैकेज के लिए 15 दिन का वीज़ा संसार में मिलता है। और हमारे ख्याल से ये पहला आयोजन है जिसके कारण भारत सरकार को 5-6 करोड़ रुपये मिलते हैं, और कोई सरकारी अनुदान 2 साल लिया गया था, 1975 में लिया था और 1976 में दत्त संगीत, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी। अब उसके बाद महाराज इतने प्रसन्न हुए तो बुलाया उन्होंने, कहा भाई विद्या मंदिर न्यास के द्वारा हम इसको संरक्षित करेंगे और चलाएंगे। और अब तो वर्तमान हमारे महाराज अनंत नारायण जी, उन्होंने कहा जब तक एक भी व्यक्ति इस परंपरा का काशीराज का जीवित है, और तुलसी घाट में पहले वीरभद्र जी ने उद्घाटन किया और आज तक वो उच्चाटन नहीं बना, निरंतर चल रहा है, और संयोजन किया अब उनके पुत्र आईटी के प्रोफेसर और संकट मोचन जी के महंत अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास, अब उसको ध्रुपद तीर्थ कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, बनारस की जो संगीत कला है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं लुप्त नहीं मानता जी, अप्रयोजित रखने के कारण आप उसका उपयोग न करें। रामचरित मानस आपके घर में और पाठ मत करिए तो ये आपकी बात जी, है जी, ये शाश्वत यात्रा है जी। उसमें अपनी मात्रा अनुकूल जितना, मैंने कहा ना झोपड़ी पर भी बरसता है महल पर भी, और स्वाति की बूंद से मोती भी बनता है, तो व्यापक सत्ता है। अभी जो व्यावसायिक दौड़ी तो हमको संगीत से नाम चाहिए, संगीत से दाम चाहिए, संगीत से संगीत नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो बिना किसी उसके जंगल में भी गा रहे हैं, पक्षियों को किसने सिखाया है, तो ये कुछ नहीं, तो आपके ग्रहण और त्याग पर उपयोगिता की बात है। और काशी की संगीत परंपरा अव्याहत है, कभी नष्ट नहीं होगी, हम कितना ले रहे हैं पात्रता में अपने, इसीलिए ये कहना अल्ट्रासाउंड हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, चम्मच गंगा, कटोरी गंगा, लोटा गंगा आप नहीं कहते, ये गंगा का नाम नहीं है, पात्र का नाम है। तो आपको जो क्षरण या अव्याप्ति ऐसा दिखाई पड़ता है ये पात्रता के कारण है, आप सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, कि योग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। डॉक्टर साहब, युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे आप संगीत को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, रिदमिक बिहेवियर और रिदमिक स्ट्रक्चर, इफेक्टिव टोनल, ये सारी चीज़ें हैं। आप जब क्रोध व्यक्त करते हैं अपने आप पता लगता है, आप उसका अभ्यास नहीं करते। आपने कहा बेटे जरा देखो फलाने हैं, प्रीति हैं, तो बुला लाओ। तो क्या कहा प्रीति ने? कहे तो रहे नहीं थे कि आएंगे, लेकिन उनकी आवाज़ से लग रहा था ये। तो साहित्य क्षेत्र में अभिधा लक्षणा व्यंजना की जो बात है, यह सारी भाषाओं का मूल है स्वर, ये विश्व की भावमय यूनिवर्सल भाषा कही जाती है, इसी के आधार पर लिंग्विस्टिक्स, फिलोलॉजी सारा निर्भर हुआ है, इसीलिए इसमें कोई कमी नहीं, पात्रता में उतार चढ़ाव होता है, जैसी डिमांड है वैसा होता है। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, और आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं काशी का हूँ और देश का नागरिक हूँ, माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का जन्मा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में काम किया, ये मेरी जन्मभूमि, वो मेरी कर्मभूमि, तो ये सारा कुछ संकट मोचन बाबा और भोले बाबा का है, मैं सिर्फ पात्र हूँ, अधिकारी नहीं। इसीलिए थाली कभी भी परोसा हुआ खुद नहीं खाती, वो अधिकारी को सौंपती है, बाबा अधिकारी हैं, और इसीलिए यह सम्मान मेरा नहीं, समस्त काशी का है, और ये त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, इसलिए
यह काशी को समर्पित, बाबा को समर्पित है। मैं काशीवासियों को सबको इसमें सहभागी बनाते हुए मैं उनकी कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ।